नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के मौसम के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पलवल आए। दरअसल पलवल सोना रोड स्थित महाराणा प्रताप भवन में मंदिर श्री सीताराम जी महाराजा सेवा ट्रस्ट की तरफ से 4 एकड़ में बनाए जा रहे महारानी पद्मावती कन्या महाविद्यालय के शिलान्यास समारोह का आज आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम सैनी ने शिरकत की और कन्या महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम नायब सैनी ने महारानी पद्मावती की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। संस्था के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंटकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ खेल मंत्री संजय सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर सहित कई नेता मौजूद रहे। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, आज बेहद ही खुशी का दिन है कि आज महारानी पद्मावती कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है। इस नेक काम के लिए उन्होंने मंदिर के सभी पदाधिकारियों की सराहना की। इतना ही नहीं, सीएम ने कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए 31 लाख रुपए देने की मंच से घोषणा भी की और जब तक कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा तब तक प्रदेश सरकार द्वारा इस कॉलेज को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस बीच सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि पहले हमारी बहन बेटियों को 12वीं कक्षा के पास करने के बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने समारोह में उपस्थित लोगों से कहा कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं। सुनिए क्या बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज महारानी पद्मावती ये गर्ल डिग्री कॉलेज का शिलान्यास आज हो रहा है। मैं सीताराम सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, जिनके तत्वाधान में लगातार जो मेहनत करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरे लिए बताते हुए गर्व की बात है कि लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जो ये ट्रस्ट आगे निकल करके कार्य कर रहा है, मैं उसकी पूरी पूरी सराहना करता हूं, इनको बधाई देता हूं। कॉलेज खुलने से, जब ये यहाँ कॉलेज खुलेगा तो हमारी बेटियों को एक मंच यहाँ पर मिलेगा। मुझे ध्यान में है जब मेरे आदरणीय मनोहरलाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रोड मैप बनाया और रोड मैप बनाया क्योंकि हम गांव में जाते थे, जब लोगों से बात होती थी इस बात की बेटी आकर के चर्चा करती थी कि हमारे यहाँ कॉलेज खुल जाए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम आगे अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। परंतु मैं देखता था उससे पहले बेटियों का मन करता था पढ़ने के लिए, परंतु उनको दूर जाना पड़ता था, माँ बाप अलाउ नहीं करते थे कि बेटी घर से दूर पढ़ने के लिए जाए। बहुत दिक्कतों का सामना माँ बाप को भी करना पड़ता था अगर बेटी को कहीं कॉलेज में भेजते थे। जब तक बेटी घर में नहीं पहुंचती थी माँ बाप को चिंता रहती थी। परंतु मनोहरलाल जी ने जब हम सब ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर गर्ल कॉलेज बनने चाहिए, मुझे खुशी है बताते हुए आदरणीय मनोहरलाल जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप बनाया। हम 20 किलोमीटर के ऊपर देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर एक बेटियों के लिए कॉलेज खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज बेटियों हजारों की संख्या में वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है
और उसी कड़ी के अंदर आज ये यहाँ पर जो महारानी पद्मावती गर्ल डिग्री कॉलेज ये कन्या डिग्री कॉलेज खुलने जा रहा है, इससे हमारी बेटियों को और आगे बढ़ने का ये मौका आप लोग दे रहे हैं। इसके लिए मैं सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा अभी बताया भी है कि महारानी पद्मावती के नाम से यह कॉलेज यहां पर खड़ा हो रहा है, यह हमारा इतिहास है। जो इतिहास अगर हम भूल जाते हैं तो हमें उसी रास्ते से ना गुजरना पड़ जाए, ऐसी स्थिति भी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। मैं हरेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को मैं इसलिए भी बधाई देता हूं। आदरणीय हमारे कृष्ण पाल जी गुर्जर, उन्होंने भी इसमें योगदान देने का काम किया है, और हमारे संजय सिंह जी, उन्होंने भी इस कॉलेज में योगदान देने का काम किया है, और मैं भी इसके अंदर ये बिल्डिंग जल्दी सीगर बन करके खड़ी हो उसके लिए हम भी अपना योगदान इसके अंदर देंगे। और आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि हमारी पूरी टीम, हमारे आदरणीय कृष्ण पाल जी गुर्जर और हमारे संजय सिंह जी और हम मिल करके जब तक ये कॉलेज ये अपना मूर्त रूप पूरा नहीं लेगा तब तक हम यहाँ आने से नहीं रुकेंगे, हम यहाँ लगातार आते रहेंगे और इसको पूर्ण करवाने का कार्य करेंगे। भाइयों आप सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और आज मैं अपने इस डिस्ट्रिक्ट खाते से 31 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ, और अक्टूबर के बाद फिर आप लोगों के बीच में एक बार फिर यहाँ पर आने का अवसर मिलेगा। और जब आप लोगों के बीच में जो भी यहाँ पर और कार्य होंगे उन कार्यों को पूरा करने का वो जिम्मा हमारा होगा। मैं आज इस अवसर के ऊपर आज ये महारानी पद्मावती कन्या डिग्री कॉलेज के शिलान्यास के ऊपर पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शिलान्यास के अवसर के ऊपर ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम अवश्य कहीं पर भी लगाएंगे, चाहे अपने घर में लगाएं, चाहे घर के आंगन के बाहर लगाएं, या कहीं पार्क में लगाएं, या कहीं सड़क के किनारे लगाएं, एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। ये संकल्प हम लेकर के जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।